तो मूवी की शुरुआत होती है एक न्यूज को दिखाते हुए। न्यूज रिपोर्ट के अंदर हैदराबाद के मर्डर्स के बारे में बताया जा रहा था। दो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से डिफेस करके मारा गया था। उनमें से एक विक्टिम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का कैंडिडेट था और इसी वजह से इलेक्शंस भी पोस्टपोन हो गए थे। हमको ये भी पता चलता है कि इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। कराबिया में एक लड़की को पुलिस स्टेशन के अंदर देख पाते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस किसी आदमी को इंटेरोगेट कर रही थी और फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। वो आदमी अपना गुनाह कबूल करने से साफ मना करता है। लड़की का नाम पल्लवी था और लड़के का नाम सूर्या। सूर्या और पल्लवी चाइल्डहुड डार्लिंग्स से और वो जल्दी ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले थे। हम ये देख पाते हैं कि सूर्या पैसों से उतना धनी नहीं था, लेकिन वो काफी अच्छा लड़का था क्योंकि हैदराबाद अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने आया था। सूर्या नरसापुरम नाम के गांव से बिलोंग करता था और उधर ही उसकी माँ भी रहती है। पल्लवी भी सेम गांव से बिलोंग करती थी। सूर्या को वो बचपन से ही पसंद करती थी। पल्लवी एक सुंदर लड़की है, साथ ही साथ वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है। उसके पास एक वेल सेटल जॉब भी है। वो सूर्या को इमोशनल सपोर्ट करने के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। पल्लवी और सूर्या एक दूसरे से सच्चा प्यार किया करते हैं। कराबिया हम देखते हैं कि सूर्या को उसके दो रूममेट्स चिंटू और मनोज बेरैया नाम के एक आदमी से मिलाते हैं जो कि उसको जॉब दिलवाने वाला था। बेरैया एक बड़ा आदमी था और उसकी इमेज भी बहुत ही साफ और अच्छी थी। बेरैया का एक ब्रदर इन लॉ भी था जो कि उसे काम में मदद करता था। अब चिंटू, मनोज, चीरू, सूर्या के जो रूममेट्स थे वो दिहाड़ी मजदूर थे और सभी सूर्या को कंफर्टेबल फील कराया करते। सूर्या बेरैया की मिल में काम देखने जाता है और उसके ब्रदर इन लॉ से मिलता है। ब्रदर इन लॉ एक वर्कर पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसके राइटिंग पेन पर चाय गिराई थी और वो कोई बहुत ही महंगा पेन था जिसकी कीमत 40,000 की थी और सूर्या उस पेन को देखकर बहुत ही ज्यादा मेसमराइज हो जाता है। काम करते वक्त सूर्या से गलती हो जाती है और बेरैया की बहन को चोट लग जाती है। इसको देखकर उसके ब्रदर इन लॉ सूर्या को मार कर भगा देते हैं। इससे दुखी होकर सूर्या पल्लवी से मिलने जाता है। वो उसको समझाती है और अपने मैनेजर से हाफ डे की लीव मांगने जाती है। मैनेजर की नीयत बुरी थी और वो पल्लवी को बुरी नजर से देखता है और उसे लीव ग्रांट कर देता है इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो सकता है। पल्लवी अब सूर्या को चेयर करने के लिए लीव लेती है और वो दोनों घूमने जाते हैं। वो दोनों सारा दिन घूमते हैं और मजे करते हैं। अब घूमते वक्त सूर्या को एक पेन मिलता है और इनोसेंट सूर्या उसे वही 40,000 वाला पेन समझकर उसे बेचने के लिए अपने पास रख लेता है। तभी पल्लवी के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उन्हें पता चलता है कि पल्लवी को एक जेनेटिक बीमारी थी जिसके चलते उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। तब तक उसे हर महीने डायलिसिस करना पड़ेगा। पल्लवी के ट्रीटमेंट का बहुत खर्चा था और ये जानकर सूर्या परेशान हो जाता है और पल्लवी उसको समझा लेती है। अब बेरैया सूर्या को काम से निकालने को कहता है और चिंटू के उसके गांव और लोन के बारे में बताने पर बेरैया उसे काम से नहीं निकालता। अब यही बात चिंटू सूर्या को बता रहा होता है कि तभी उसका और चीरू का बेरैया की इमेज को लेकर झगड़ा होता है और चिंटू गुस्से में बाहर निकल जाता है। मनोज भी उसके पीछे से उसे समझाने निकल पड़ता है। अब चीरू और सूर्या रूम में अकेले बैठे होते हैं कि तभी चीरू सूर्या से पेन छीनकर बुक पे हुश लिख देता है और उस पेन को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद दूसरे दिन सूर्या काम पे जाता है और ब्रदर इन लॉ उसे उसकी सैलरी दे देता है। ब्रदर इन लॉ उसे अपने गांव की जमीन बेचने की सलाह देता है और हमें अंदाजा हो जाता है कि सूर्या को किसी मकसद से काम पर रखा गया था, यानी कि ये फेवर्स उस पर ऐसे ही नहीं करे गए थे। कुछ न कुछ ऐसा होने वाला था जो कि उसके लिए सही नहीं है। अब बेरैया की इमेज बहुत ही बड़ी और अच्छी थी। लोग उसे और उसके ब्रदर इन लॉ को भगवान समझा करते थे, पर बेरैया एक अच्छा आदमी नहीं था। वो बिल्कुल करप्ट था और बहुत ही ज्यादा बुरे काम किया करता था। ब्रदर इन लॉ उसका इन्हीं कामों में साथ दिया करता और बेरैया एक एस्पायरिंग नेता भी था। अपनी सैलरी लेकर अब सूर्या बाहर आता है और उसे अपने रूम में चिरू की मौत के बारे में पता चलता है। वो रूप चिरू की बॉडी को रिसीव करने मॉर्ग जाते हैं। चिरू की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हो गई थी। सूर्या और उसके रूममेट्स फिर से अपने रूम में आते हैं और सूर्या की नजर उसी पेन पर पड़ती है और वो चिरू को फिर से याद करने लगता है। तभी सूर्या को अपनी माँ का कॉल आता है और वो उसको ये बताती है कि जमींदार ने उनके घर को बंद कर दिया है और वो उनसे चाबी लेने निकल पड़ी थी। सूर्या की माँ जमींदार से मिलती है और जमींदार एक बहुत ही गंदी नीयत रखने वाला इंसान था। वो सूर्या की माँ से बदतमीजी करता है और उससे कुछ पेपर्स पर साइन लेकर घर की चाबियां दे देता है। साथ ही साथ उसे 2 हफ्तों का समय भी देता है अपना कर्जा चुकाने के लिए। अब सूर्या की माँ को कॉल कट करना नहीं आता था और इसके चलते सूर्या उनकी सारी कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और उसका रूममेट उसे नशा करना सिखाता है। इसके चलते उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और वो सो जाता है। अब अगले दिन सूर्या उस पेन को बेचने चला जाता है और उसको पता चलता है कि ये तो एक मामूली पेन है।
जिसके बाद में सूर्या अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम करने लगता है। वो छोटे बड़े हर काम किया करता था और काफी पैसे जमा करता है। एक दिन सूर्या और उसका दोस्त मनोज कहीं जा रहे थे कि तभी मनोज अपने हाथ पे एक नंबर लिखता है और वो सूर्या को पेन देने लगता है कि तभी उसके ऊपर पत्थर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सूर्या पेन को देखकर समझ जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर है। जब चिरू ने पेन का इस्तेमाल किया तो उसके बाद उसकी मौत हो गई। मनोज ने पेन से एक नंबर लिखा, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। सूर्या को ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये पेन शापित हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अभी तक इस पेन से कुछ लिखा नहीं था, काले अपने पास उसको रखा हुआ था। खैर अब वो ये बात चिंटू को ही बताता है और चिंटू उसको डांट देता है। तभी सूर्या को पल्लवी का कॉल आता है और पल्लवी कॉल पर रोने लगती है। पल्लवी को उसके मैनेजर ने काफी अब्यूज किया था और इसको सुनकर सूर्या को गुस्सा आ जाता है। खैर अगले दिन सूर्या अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उसी पेन को लेकर पल्लवी के ऑफिस जाता है और उसी मैनेजर से ऑटोग्राफ मांगने लगता है। मैनेजर उसे बाहर जाने को कहता है लेकिन सूर्या अपनी जिद पर अड़ा रहता है और थक हार कर मैनेजर ऑटोग्राफ दे देता है। मैनेजर ने उसी पेन का इस्तेमाल किया था। खैर आगे चलकर मैनेजर को कॉल आता है और वो अपनी दोस्त से मिलने निकल पड़ता है। सूर्या उसका पीछा करने लगता है लेकिन कुछ नहीं होता और मैनेजर बच जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद में मैनेजर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये था कि सूर्या की थ्योरी सही थी और वो पेन वाकई में श्रापित है, लेकिन उसके साथ लिखने पर ही ऐसा होता है। अब आगे सूर्या उसी पेन का इस्तेमाल करता है और अपने गाँव जाकर जमींदार को भी मार डालता है। अब दिवाली का समय था और पल्लवी ने सूर्या की माँ को अपने घर पर इन्वाइट किया था। वो तीनों बातें करते हैं और सूर्या अपने रूम के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी पल्लवी उसे कुछ नए कपड़े देती है। सूर्या की माँ और पल्लवी बातें करने लगते हैं और सूर्या की माँ उसे शादी करने को कहती है और पल्लवी को खुद प्रपोज करने से भी मना कर देती है कि उसका बेटा उसे प्रपोज करेगा। खैर वो पल्लवी को अपने सास के कंधन देती है और साथ ही साथ उसे आगे बढ़कर कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देती है, यानी कि उसके साथ ऑफिस में जो कुछ हो रहा था उन चीजों के चलते। अब सूर्या अपने रूम में लौटता है और तभी चिंटू उससे अपने ठिकाने के बारे में पूछता रहता है। सूर्या उसे बताता है कि वो अपने गांव में आया हुआ है और वो उसको ये भी बोलता है कि उसने अपना कर्जा चुका दिया था क्योंकि कर्जा देने वाले की मौत हो गई। चिंटू को पेन पर शक होता है, वो पेन को देखने की जिद करता है। अब सूर्या उसे धकेलता है और ऐसा फिर से करने से मना करता है। आखिर में दोनों साथ में स्मोक करते हैं और हम ये देख पाते हैं कि चिंटू को इस बात से गुस्सा आया था। खैर अब आगे हम सूर्या को घायल हालत में देख पाते हैं और उसे पल्लवी के हॉस्पिटल से एक कॉल आता है क्योंकि पल्लवी को फिर से दर्द हो रहा था। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पल्लवी का नाम रिसीवर लिस्ट में पहला था और इसी के चलते डॉक्टर सूर्या से जल्दी पैसों का इंतजाम करने को कहती है। वो उन्हें एक एनजीओ का कॉन्टेक्ट दे देती है और चिंता ना करने के लिए कहती है कि शायद एनजीओ वाले हेल्प कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर एक बुजुर्ग आदमी सूर्या को पल्लवी को प्रपोज करने के लिए इंस्पायर करता है और सूर्या इसके लिए मान जाता है। सूर्या तभी पल्लवी को शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला था कि तभी पल्लवी को घर से कॉल आता है। उसके घर में विरैया और उसके आदमी पहुंच चुके थे। ये सुनकर सूर्या तुरंत ही घर की तरफ भागने लगता है और हमको ये पता चलता है कि सूर्या को असल में विरैया ने ही मारा था क्योंकि वो उसके गांव की जमीन को खरीदना चाहता है, लेकिन सूर्या ने जमीन देने से मना कर दिया था और इससे गुस्सा होकर वो लोग उसको पीटने लगते हैं। सूर्या घर पहुंचता है तभी उसकी माँ पेपर साइन कर रही थी और सूर्या ये देखता है कि उसकी माँ ने उसी श्रापित पेन का इस्तेमाल किया था। विरैया और उसके आदमी पेपर्स और श्रापित पेन लेकर निकल जाते हैं और सूर्या रोने लगता है। अब सूर्या की माँ उसके लिए खाना लेने अंदर जाती है और सूर्या बाहर बैठकर रोने लगता है। इसका मतलब साफ था कि सूर्या की माँ की मौत हो चुकी थी। खैर अब सूर्या अपनी माँ की अंतिम यात्रा और क्रिमेशन के तुरंत ही बाद मिल पड़ जाता है। पहले वो विरैया के ब्रदर इन लॉ को पीटता है, उसको खत्म करता है, जिसके बाद वो विरैया के पीछे जाता है और उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर लेता है। अब खून से सना हुआ सूर्या पेन, पैसों से भरा हुआ सूटकेस और मर्डर वेपन को अपने साथ रूम में ले जाता है। रूम में चिंटू उसे देख कर डर जाता है और विरैया का सूटकेस देख कर समझ जाता है कि सूर्या ने क्या किया था। अब असल में हुआ ये था कि चिंटू ने गुस्से में आकर विरैया को पेन के श्राप के बारे में बता दिया था और इसके चलते ही विरैया ने सूर्या की माँ को खत्म कर दिया, उसे साइन करवाया। अब सूर्या कपड़े बदलकर पल्लवी के घर जाता है और सारे एविडेंस को छुपा देता है। वो उसको बताती है कि उसके लैंडलॉर्ड ने घर खाली करने को कह दिया है। वो सूर्या को खाना देने जाती है और खाने को देखकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि खाना सुबह सूर्या की माँ ने ही बनाया था और सूर्या उस खाने को खा लेता है। अब आगे हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। पुलिस सारे सस्पेक्ट से क्वेश्चनिंग कर रही थी, उनको उठा रही थी। पुलिस जब चिंटू को इन्वेस्टिगेट करने जाती है तो उसे मरा हुआ पाती है। चिंटू ने खुद को खत्म कर लिया था और हमको पता चलता है कि सूर्या ने पेन का इस्तेमाल करके चिंटू को भी खत्म कर दिया। अब देखो चिंटू मनोज और चिरू सब एक साथ रहा करते तो सारा का सारा शक सूर्या पर जाता है कि उसने ही इन सबको मारा है। जिसके बाद हम
सूर्या को देख पाते हैं जिसने अपने लुक्स को चेंज कर लिया था। इसका मतलब ये सूर्या पहले वाला इनोसेंट सूर्या नहीं है। वो और पल्लवी हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर उनको बताती है कि पल्लवी का नाम लिस्ट पर सेकंड नंबर पे है। ये सुनकर सूर्या को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले पल्लवी का नाम आवे था। खैर तभी डॉक्टर उनको एक लिस्ट दिखाती है जिसके अंदर टॉप पर नाम था परी नाम की बच्ची का। सूर्य को पता चलता है कि परी के पिता ने पैसे देके परी का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर लगाया है। असल में परी का परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर था और उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। खैर आगे पुलिस सूर्य को उठाकर ले जाती है और हमें फिर से पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूर्य से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पल्लवी सूर्य की बेल करवाती है और उसको घर लेकर आती है। घर जाकर सूर्य पल्लवी को उनके नए घर के बारे में बताता है। साथ ही साथ ये भी मेंशन करता है कि कृष्णा फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने ऑपरेशन का खर्चा उठा लिया है। अब अगले दिन पल्लवी और सूर्या अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसके चलते उन्हें वो सस्ता मिला था। घर सेट करने के बाद में सूर्या पल्लवी को गिफ्ट देता है और सोने जाता है। तभी उससे मिलने एक ऑफिसर आता है और ये ऑफिसर भी सूर्या के गाँव से था और उसे सूर्या पर भरोसा था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑफिसर सूर्या का शुभचिंतक था। पल्लवी ने अपने नए घर का एड्रेस पुलिस को दे दिया था और इसी वजह से वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया था। खैर अब ऑफिसर पल्लवी से कुछ सवाल जवाब करता है। वो ऑफिसर को बताती है कि सूर्या अपनी माँ की अंतिम संस्कार की बात वीरैया से मिलने आने के लिए कहकर चला गया था। खैर ये सारी बातें सूर्या सुन लेता है और उसको इस ऑफिसर के ऊपर शक होने लगता है। वो बाहर आकर ऑफिसर को बताता है कि वो मर्डर वाली शाम को वीरैया के पास गया था क्योंकि उसे अपने पैसे लेने थे और वीरैया ने खुद उसे शाम को बुलाया था। अब ये सुनकर ऑफिसर सूर्या से पेन मांगता है और उसको एक स्टेटमेंट लिख कर देता है। अब आगे हम फिर से न्यूज देखते हैं कि उसी ऑफिसर की मौत हो चुकी है, जिसका मतलब साफ था कि सूर्या ने फिर से श्रापित पेन का इस्तेमाल कर दिया। अब इसके बाद में सूर्या पार्क में जाता है जहाँ पर वो बच्ची परी अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। अब परी ड्राइंग कर रही होती और उसकी माँ उसे फ्रूट खाने को कहकर एक्सरसाइज करने निकल पड़ती है। पल्लवी को हॉस्पिटल से उसके ऑपरेशन के कंफर्मेशन के लिए कॉल आ जाता है और उनको पता चलता है कि सूर्या ने उसी पेन का इस्तेमाल करके उस बच्ची की भी जान ले ली, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही गलत था। यानी कि सूर्या यहाँ पर इंसानियत छोड़ चुका था। खैर पल्लवी सूर्या को उसी पैसों से भरे हुए सूट केस के साथ पकड़ लेती है। उसे ये समझ आ चुका था कि ये सारे मर्डर सूर्या ने ही किए थे। उसे उस पेन की सच्चाई का भी पता चल जाता है और ये सब जानकर उसे बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो रोने लगती है। उसको अंदाजा नहीं था कि सूर्या ऐसा है क्योंकि उसने उसकी अच्छाई देखकर उससे प्यार किया था और अगर उसे पैसे ही चाहिए होते तो किसी और के साथ रह सकती थी। खैर अब शाम होती है और सूर्या घर में पल्लवी को ढूंढ रहा था कि तभी उसे वहाँ पर अपना रेडियो मिलता है और एक ऑडियो कैसेट जिसको प्ले करने पर वो पल्लवी का एक मैसेज सुनता है। पल्लवी मैसेज में सब कन्फेस करती है। वो सूर्या से अपने प्यार का इजहार करती है। वो ये भी बताती है कि वो पुराने वाले इनोसेंट सूर्या से प्यार करती थी, ना कि इस सूर्या से, और सूर्या को गिफ्ट बॉक्स देखने को वो कहती है। वो बॉक्स के अंदर लेटर देखता है जिसके अंदर आई लव यू लिखा हुआ था। नीचे देखने पर उसे श्रापित पेन मिलता है और हम समझ पाते हैं कि पल्लवी ने उसी पेन का इस्तेमाल करके खुद को खत्म किया था। पल्लवी को इस बात से बहुत दुख हुआ था कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई। वो रिकॉर्डिंग में ये भी कहती है कि उसे पेन को बेचने वाले इनोसेंट सूर्या से प्यार था, ना कि पेन से खून करने वाले सूर्या से। अब घर के अंदर देखने पर उसे पल्लवी की लाश मिलती है और वो रोने लगता है। गुस्से में वो सब सामान इधर उधर फेंक देता है और उसी पेन से लिखने लगता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि वो पेन काम नहीं करता। सूर्या बहुत कोशिश करता है मगर वो पेन से कुछ लिख ही नहीं पा रहा था। अब गुस्से में उस पेन को फेंक देता है और पल्लवी ने वो सूटकेस पुलिस को भी दे दिया था और पुलिस आकर सूर्या को अरेस्ट कर लेती है। मतलब सिंपल सी बात थी, वो गलत का साथ नहीं दे सकती थी। उसने खुद को भी खत्म कर लिया और सूर्या को भी अरेस्ट करवा दिया। वो जानती थी कि ये सब बिल्कुल गलत है। खैर अब आगे हम ये देखते हैं कि वो पेन जाकर सड़क पर गिर पड़ती है और दो लड़के उसे उठाकर ले जाते हैं। सूर्या को भी पेन इसी तरह से मिला था जैसे कि इन दो लड़कों को, जिसका मतलब साफ था कि ये डेविल पेन है और ये साइकिल अब फिर से शुरू होगी और उस लड़के की जिसने पेन उठाया था उसकी जिंदगी भी सूर्या की तरह खराब हो जाएगी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी विधि फिल्म की कहानी जो कि श्रापित पेन के ऊपर आधारित है। एंड आई बिलीव कि अगर इसका हॉलीवुड अडैप्टेशन होता है ना तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उभर कर आ सकता है। इसको डेविल या फिर किसी डीमन या फिर किसी कर्स के चलते इसको अटैच किया जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल से अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी। सूर्या को यहाँ पर ये जो पेन मिला ना वो उसको नींद में मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि जब उसका काम हो गया था ना उसको ये फेंक देना चाहिए था। लेकिन वीरैया को मारना, उसके ब्रदर इन लॉ को खत्म करना, देखो वो तो अलग चीज है। वो तो खुद ही बहुत बुरे थे, वो लोगों को मारा करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो कुछ सूर्या ने किया, जैसे कि उस छोटी बच्ची को खत्म करना, वो बहुत ही गलत था। मतलब उसने इंसानियत छोड़ दी थी, वो खुद डेविल बन गया था। या फिर ये कहे कि इस पेन के अंदर ऐसा कुछ होता है कि एक बार अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ाता रहता है। देखा जाए तो ये श्रापित
पेन किसी के इनोसेंस को चेंज करने का काम करता है, जैसे कि सूर्या के साथ हुआ। हम मूवी के अंदर इनोसेंट सूर्या को शातिर क्रिमिनल बदलता हुआ देखते हैं, और अंत में जब वो उसी पेन के इस्तेमाल करने जाता है तो वो काम नहीं करता। इससे यही प्रतीत होता है कि जो भी इस पेन को उठाता है और उसका इस्तेमाल करके दूसरों की जान लेता है, उसके लिए ये पेन काम नहीं करता। मतलब कि वो उनको मौत का गिफ्ट भी नहीं दे सकता, सिर्फ दूसरों के लिए काम करता है ये। और इस पेन का काम जान लेने के साथ साथ किसी के इनोसेंस को खत्म करने का भी था। इस मूवी के अंदर खाली ये पेन वाली बात नहीं है, यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं कि गरीबी इंसान से क्या करा सकती है, पैसे ना हो तो हॉस्पिटल में क्या होता है, और पैसे हो भी तो क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।